रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर ने प्रचार तेज कर दिया है। प्रचार के दौरान रामलाल ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर के झुनियारी, द्रूही, नालटी और बाड़ी में नुक्कड़ सभा में रामलाल ठाकुर ने शिरकत की। रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में कांग्रेस के पोस्टरों के फाड़ने पर एतराज जताया है। वहीं आरोप लगाया है कि बिलासपुर में अधिकारी बीजेपी के एजेंट बनकर चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। हमीरपुर में प्रचार के लिए पहुंचे रामलाल ठाकुर ने बीजेपी पर कांग्रेस के प्रचार की सामग्री को नष्ट करने के आरोप लगाए हैं। रविवार को झिनियारी, दड़ूही, नालटी आदि क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं में शिरकत करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पोस्टर फाड़कर चुनाव जीते जाते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि वे प्रचार मत करो और घर घर जाकर पोस्टर फाड़ो। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की संकीर्ण मानसिकता है जो कि पोस्टर फाड़ कर दिखा रही है। अगर पोस्टर फाड़ने से ही लोगों का दिल जीता जाए तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोलूंगा घर में बैठ जाओ, पोस्टर फाड़ो। केवल पोस्टर फाड़ने से नहीं है कुछ भी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। क्योंकि आज वहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं, सारे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मैं ये कहूँगा कि जो अधिकारी, जिस बड़े पैमाने के ऊपर अधिकारियों का जो है वो राजनीतिकरण हुआ है, मुझे भी इतना टाइम हो गया राजनीति में, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। हमने जब कहा डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से कि भाई आप तो हमारे को तो बोलते हैं फ्लैक्स लगी है, वो भी उतार रहे हैं, झंडे भी उतार रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक घर पे पांच पांच झंडे लगे हुए हैं। कोई अधिकारी जा नहीं रहा है, तहसील जाता है वो दूर दूर से किनारे से आ जाता है। जैसे मान लो आज अमित शाह जी आ रहे हैं, पूरा कारोबार जो है वो सारा जो चला हुआ है, ये चला हुआ PWD और IPH के डिपार्टमेंट के लेबरर लगे हुए वहाँ पे। और साथ में क्या हो रहा है कि वहाँ पे सड़कों के ऊपर कोई झंडा, कोई पेड़ नहीं है जो बिना झंडे के है, पेड़ सरकारी जमीन पे है, कोई खंभा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है जो जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है। और जब डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के ध्यान में इस चीज को लाए गए, वो बोला जी मैं क्या करूं, आप भी कर लो, ये क्या बात बनती भाई। उन्होंने अमित शाह के बिलासपुर दौरे में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि PWD और IPH विभाग को रैली को सफल बनाने का इंतजाम करने को कहा गया है। रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं और कांग्रेस की प्रचार सामग्री को परमिशन तक नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कई स्थानीय अधिकारी बतौर RSS एजेंट काम कर रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर चुनावों के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों को हाईजैक करना चाहती है और देश के लिए ये चुनाव काला अध्याय साबित होंगे। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हदायत है कि आप ऐसे नहीं लगा सकते तो कारण क्या है? हमारे को तो हम किसी के घर में भी जाएं, अंदर भी मीटिंग हो तो उसकी भी डिप्टी कमिश्नर हमारे को बोलते हैं परमिशन लेके दो, उनके लिए कोई परमिशन नहीं है। हमारी अगर गाड़ी भी कहीं पे रात को खड़ी होगी तो कहते हैं परमिशन लो उसकी, वो गाड़ी खड़ी नहीं होगी। ये क्या बात बनती है, गाड़ी तो सड़क पर खड़ी होनी है भाई। हमारे भी प्रचार की सामग्री आई है लेकिन हमारी सामग्री को लगने दिया जा रहा है और ऐसा लगता है कि सरकारी तंत्र जो है इस चुनाव को हाईजैक करना चाह रहा है। ड्यूटियाँ लग रही हैं जो इनका कर्मचारियों का बीजेपी का प्रकोष्ठ है, उनको पूछ के जो है डिप्टी कमिश्नर ड्यूटियां लगा रहे हैं तो चुनाव कहाँ पे सही होगा। और मैं ये कहूँगा कि बड़े पैमाने पे इसको हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, राइट प्लेटफॉर्म पे हम उसको उठाएंगे। अगर कहीं बात करी है, एक अधिकारी वहीं का, उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है, वहीं पे जो है ना उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बतौर RSS काम कर रहा है और वह बतौर DC काम कर रहा है। अगर मान लो कहा जाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही है, क्या एक्सप्लेनेशन भाई, जब रूल्स कह रहे हैं कि वो अधिकारी वहाँ पे नहीं रह सकता, हु इज ए वोटर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये सरकार कहे चलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है किस ढंग से काम कर रहा है मेरे को बताओ। ये जिस ढंग से मैं कहूँगा ये जो सारी चीज़ें निकल रही हैं, ये शायद मैं कहूँगा प्रजातंत्र में काला अध्याय होगा जो इस प्रकार के चुनावों में ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है, ये मैं कहूँगा कि प्रजातंत्र के खतरे से खाली नहीं है। अनुराग ठाकुर के बार बार रामलाल ठाकुर की उपलब्धियों पर पूछे जाने वाले सवाल पर रामलाल ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि अभी मैं MP नहीं बना हूं और अनुराग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने उल्टा अनुराग से पूछा कि अनुराग बताए कि पिता धूमल CM थे तो क्या उपलब्धियां रही। उन्होंने आरोप लगाया कि हमीरपुर की बंदरों की समस्या के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके कार्यकाल में हमीरपुर में बंदर विहार खोला गया था। जब मैं MP बनूंगा, मेरी उपलब्धियां तेरे पिताजी की तरह नहीं है,
आपके पिताजी ने हमीरपुर में बानर विहार बनाने की बात कही थी। ये जो बंदर आए ना, वो पिताजी लेके आए हुए हैं। मैंने, जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, मैंने 540 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिड हिमालय प्रोजेक्ट लाया हूँ, जो पूरे जिला में किसानों के घर में, उसमें जो है चौहमुखी विकास हुआ है हमारे खेतों में। और मैं कहूँगा कि हमारे जो किसान हैं, उत्तम किस्म के जो है ना पशु आए हैं, दूध बड़ा है, ग्रीनरी बड़ी है, फसलें जो है वो ज़्यादा हुई है। ये मैं कहूँगा, ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट में लेके आया था। मुझे बता दे पिताजी कौन सा प्रोजेक्ट लाए थे भाई? क्रिकेट का प्रोजेक्ट जरूर आया, जिसमें खाया तुमने, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे को निकाला, सुप्रीम कोर्ट में आपने माफीनामा दिया, और हमारे से पूछ रहे हैं कि क्या किया। हमने ऐसा नहीं किया जैसे अनुराग ने किया।